गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस द लेसन नंबर 17 क्लास 12 ऑफ बायोलॉजी आरबीएससी। इन दिस लेसन द मैन द एक्सप्लेन द इकोनॉमिक बॉटनी एंड इकोनॉमिक प्लांट्स। दीज आर ओनली थ्री फंडामेंटल्स रिक्वायरमेंट्स ह्यूमंस, थ्री मेन फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स से फूड क्लॉथ एंड ए शेल्टर। तो हमारी मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, और उन्हीं की हम पूर्ति के लिए पूरे जीवन भर क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। और उनकी पूर्ति हमारी किससे होती है, विशेष प्रकार के जो आर्थिक महत्व के इकोनॉमिक प्लांट्स होते हैं उन्हीं से हमारी क्या होती है, ये आवश्यकताएं पूर्ति होती है। तो सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक बॉटनी एंड इकोनॉमिक प्लांट्स। द मेन ओनली वन डेफिनेशन द मेन इंपॉर्टेंट इन दिस लेसन, द डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली वन मार्क क्वेश्चन इन दिस लेसन। द डेफिनेशन, दीज प्लांट्स थ्रू विच ह्यूमन डेराइव्स, दीज प्लांट्स थ्रू विच ह्यूमन्स डेराइव्स यूजफुल सब्सटेंस आर नॉन एज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजफुल प्लांट्स एंड स्टडी ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स आर देयर प्रोडक्ट्स आर नॉन एज इकोनॉमिक बॉड्स। तो ऐसे प्लांट्स से जिनके उत्पाद से क्या बनाए जाते हैं, मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाते हैं, और उन्हीं के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बॉटनी। तो मैन, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। तो दोज प्लांट्स थ्रू विच ह्यूमंस डेराइव्स, जिनसे क्या बनाए जाते हैं, ह्यूमंस डेराइव्स यूजफुल सब्सटेंस, ह्यूमन डेराइव्स यूजफुल सब्सटेंस आर नोज इन इकोनॉमिकली प्लांट्स and useful plants are study of economically important plants and their product are known as economic botany। तो main क्या हो गया इसमें, सबसे पहले जो आपको याद रखना है, इसकी definition याद रखनी है, अर्थात वे पादप जिनसे मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति की जाती है, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादप माने जाते हैं, और उपयोगी पादपों तथा उनके उत्पादों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, औषधीय वनस्पति या इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं। तो डेफिनेशन आपको याद करनी है, दीज प्लांट्स थ्रू विच ह्यूमन डेराइव्स यूजफुल सब्सटेंस आर नोन एज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजफुल प्लांट्स एंड स्टडी इकोनॉमिक बॉटनी। इन दिस मैन द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लांट्स, मैन साइंटिस्ट A.F. Hills, only one classification in most in this lesson, A.F. Hills classification classified in this lesson. A.F. Hills economic plant divided four groups, the main group, first group food plants, second food adjuncts, third medicinal plants and fourth industrial plants. तो four group, the revised, first group food plants, second एडजेंट फूड जिनको बोलते हैं, ये तो खाद्य हो गए खाने वाले, और ये खाद्य के साथ में सह खाद्य बोलते हैं। तो मैन फेस्ट हो गया फूड प्लांट्स, एडिबल्स प्लांट्स, फूड प्लांट्स में सीरियल्स एंड मिलेट्स अनाज को बोलते हैं। तो वीट, राइस, मेज, सरघम एंड बाजरा, तो गेहूं, चावल, मक्का, जो क्या बोलते हैं, सरघम एंड बाजरा, पल्सेस दाल, जो पल्सेस हैं दाल हैं, तो जैसे चना है, ग्राम, मूंग्स, किडनी बीन्स, तो ये स्पेशली याद रखना है, नाम सुना होगा आपने, राजमा उसको बोलते हैं किडनी बीन्स, उरद ब्लैक, ग्राम अरहर, मोठ है चावला, तो चावला कोई बोलते हैं चावला, वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल सब्जियों में कहेंगे पोटेटो, ब्रंजल्स, टोमेटो, पम्पकिंस और लेडीफिंगर्स, पम्पकिंस बोलते हैं कद्दू को, फ्रूट्स, पोमग्रेनेट्स, ऑरेंज, बनाना एंड एप्पल, अनार को बोलते हैं पोमग्रेनेट्स, फूड एडजस्ट, तो साथ में हेल्प करने वाले, इनके साथ में यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं फूड एडजस्ट, तो स्पाइसेस एंड गरम मसाला, तो स्पाइसेस मसालों को बोलते हैं टर्मरिक पेपर, ब्लैक पेपर एंड कोरिएंडर सीड्स, धनिया को बोलते हैं कोरिएंडर्स, ड्रिंक्स पेय पदार्थ में आते हैं, तो मैन टी, कॉफी, कोका, ये क्या है, कोका से जो बेवरेज है पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, तो ये याद रखने हैं, यही सबसे मैन आपसे
अगले जो लेसन नंबर 18 उसमें भी यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे मेडिसिनल प्लांट से। तो मेडिसिनल प्लांट्स में आता है अश्वगंधा। तो नॉर्मल हम आसगन बोलते हैं अश्वगंधा। तो अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम में आपको याद रखना है, बॉटनिकल नेम विथानिया सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा गिलोय गिलोय। प्रेजेंट टाइम सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है क्योंकि हमारे गिलोय क्या करता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसीलिए वर्तमान में जो कोरोना जो वायरस से जो डिजीज चल रहा है उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिलोय का जूस पिया जा रहा है, गिलोय टीनोस्पोरा। तो गिलोय का क्या नाम है, टीनोस्पोरा कोर्डिफोलिया। तो अश्वगंधा का नाम विथानिया सोमनीफेरा और गिलोय का नाम है टीनोस्पोरा कोर्डिफोलिया। व्हाइट मोस्टली क्लोरोफाइलम बोरीविलियनम। तो क्या नाम हो गया, क्लोरोफाइलम क्लोरोफाइलम बोरीविलियनम नीम अजडीरेक्टा इंडिका ओपियम इंडियन स्नेक रूट। तो ये तो था अश्वगंधा, एक नाम होता है सर्पगंधा, उसको क्या बोलते हैं इंडियन स्नेक रूट से राउलिफिया सर्पेंटाना। ये तो है विथानिया सर्पेंटाइन सोमनीफेरा, ये है राउलिफिया सर्पेंटाइन। तो आपको ये जो बॉटनिकल नेम याद रखने हैं ये इन फोर प्लांट के मेंस में, कौन से फोर प्लांट से, विथानिया सोमनीफेरा राउलिफिया सर्पेंटाइना टीनोस्पोरा कोर्डिफोलिया। फेमिटेरिज मेस्टिकेटेरिज एंड नार्कोटिक। तो फ्यूमिटोरिज किसको बोलते हैं, धूम्रपान वाले, जिनसे धूम्रपान। मेस्टिकेटेरिज का अर्थ होता है चबाने वाले। तो अगला कौन सा है, फ्यूमिकेटेरिज मेस्टिकेटेरिज एंड नार्कोटिक। तो फ्यूमी धूम्रपान वाले, ये चबाने वाले, और नार्कोटिक नशे वाले। तो धूम्रपान वालों में टोबैको और बेटल नट सुपारी को बोलते हैं, ये चबाने वाला, और कैनाबीज भांग, ये नार्कोटिक में आ गया। अफीम भी आता है इसमें। लास्ट फोर्थ क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रियल प्लांट्स। तो थ्री कौन से, फर्स्ट कैटेगरी सीरियल्स, सेकंड जो फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी जो अनाज वाली थी, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी, अनाज, फर्स्ट कैटेगरी हमारी फूड प्लांट्स से, सेकंड थी फूड एडजेंट्स से, थर्ड थी मेडिसिनल प्लांट्स से, फोर्थ आ गई इंडस्ट्रियल प्लांट्स से, इंडस्ट्रियल। तो फर्स्ट आता है इसमें सेवन ग्रुप डिवाइड किए गए हैं, छोटे छोटे फाइबर्स यील्ड प्लांट्स। तो फाइबर वाले जिनसे धागे बनाए जाते हैं, कॉटन है, जूट है, हेम्प है, फ्लेक्स फ्लेक्स पैटर्सन को बोलते हैं। सेकंड है टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स से, टिम्बर में कौन से आते हैं, लकड़ी वाले, टिक। तो टिक तो रोइडा नाम सुना होगा, तो उसी को बोलते हैं टिक। सीसम, ये हमारे इंडियन है, रोजवुड भी बोलते हैं सीसम का बॉटनिकल नेम। रबड़ यील्डिंग प्लांट्स, रबड़ यील्डिंग प्लांट्स, तो रबड़ जिनसे तैयार किया जाता है, तो नाम है पारा रबड़। गम्स एंड रेजिन से, गम्स एंड रेजिन जिनसे गम्स गोंद बनाया जाता है, बबूल है, तो गम एरेबिका, बॉटनिकल नेम क्या है, गम एरेबिका। तो पाइन, चीड़ नाम सुना होगा, चीड़ का प्लांट, तो पाइन से पाइनस। एरोमेटिक ऑयल्स, ऐसे ऑयल्स जो सुगंधि वाले होते हैं, एरोमेटिक्स ऑयल्स कहलाते हैं। इंडियन से सैंडलवुड, तो नाम सुना हुआ चंदन, तो इंडियन सैंडलवुड से मोगरा, तो नाम है चंदन का बॉटनिकल नेम सेंटेलम्स एल्बम, सेंटेलम एल्बम्स मोगरा। अरेबियन से जैस्मिनम, अरेबियन से जैस्मिनम, तो बॉटनिकल नेम आपको याद करने हैं ये। सेकंड आता है इसमें, अगला जो नेक्स्ट आता है फैटी ऑयल्स, फैटी ऑयल से जो वसा वाले, तो मस्टर्ड ऑयल से, ग्राउंडनट ऑयल से, कोकोनट है, कैस्टर ऑयल्स, तो कैस्टर ऑयल्स बोलते हैं अरंडी का तेल। लास्ट है सुगर एंड स्टार्च, तो सुगर केन गन्ना, सुगर बीट चुकंदर, बेटा वल्गेरिस, वॉलनट अखरोट नाम सुना होगा, वॉलनट सांगो साबूदाने को कहते हैं, साबूदाना। तो ये था, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट के बेसिक ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ह्यूमंस आर, तो फूड क्लॉथ शेल्टर, तो तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ दिस। स्पाइसेस प्लांट्स आर नोन एज प्लांट्स, फूड एडजेंट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, इंडस्ट्रियल, तो हमारे सहायक हैं किसमें, फूड में, तो नाम हो गया फूड एडजेंट्स। राइट नेम द टू स्टार्च यील्ड प्लांट्स,
स्टार्च वाले प्लांट्स बताते हैं आपको दो के एग्जाम्पल, तो कौन से हो गए, सुगर केन्स, सुगर बीट, वॉलनट और सांगो, याद रह जाएगा। हाउ ग्रीन प्लांट, व्हाट आर द बेसिस और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ह्यूमंस, तो फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। हाउ ग्रीन प्लांट्स आर द मोस्ट स्पेशल देन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हाउ ग्रीन प्लांट्स स्पेशल है किसके लिए, इकोनॉमिक बॉटनी के लिए, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर इन्हीं के द्वारा है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड का, जो मेक इन फूड या भोजन का निर्माण स्वयं खुद ही करते हैं, तो ऑटोट्रॉपस होते हैं। राइट नेम ऑफ द प्लांट्स ईच वन ऑफ द वोलेटाइल एंड ए फैटी ऑयल, एक एक एग्जाम्पल बनाते हैं। तो आपको वोलेटाइल में कौन सा होगा, आपके हो गए इंडियन सैंडवुड और मोगरा, फैटी में एग्जाम्पल कौन सा हो गया, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, कैस्टर ऑयल। तो ये थे 21 क्वेश्चन, आप एक बार इसका अभ्यास कीजिए, आपको याद हो जाएंगे।